नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रशांत महावर है। मैं एक पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, यानी शिशु हृदय रोग विशेषज्ञ, और मैं नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जयपुर में कार्यरत हूँ। आज हम जो बच्चे जन्मजात हृदय रोग विशेष विकृतियों से ग्रसित रहते हैं और जिनका उस चीज़ के लिए इलाज हुआ है या फिर वह डॉक्टर की निगरानी में है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे और उनके भविष्य में क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए उसके बारे में बातचीत करेंगे। आजकल इन बीमारियों का समय से पता लगने की वजह से हम इन बहुत बड़ी संख्या में यह बच्चे आजकल डॉक्टर्स के पास पहुंच रहे हैं और ऐसी जगहों पे जहां इनका इलाज उपलब्ध है उनका समय रहते ऑपरेशन के द्वारा या फिर पैर की नस से तार डाल के एंजियोग्राफी की विधि के द्वारा इलाज किया जा रहा है। इन बच्चों के को लेके उनके अभिभावकों की कई सारी जिज्ञासाएं रहती हैं और उनमें से एक जो कि बहुत कॉमनली हमने देखी है वह यह है कि हमें किन किन चीज़ों की सावधानी रखनी चाहिए। जो बच्चे दिल के ऑपरेशन, दिल के छेद के लिए ऑपरेशन कराए हुए होते हैं, उन बच्चों में शुरुआत के एक साल हम लोगों को कुछ चीज़ों की सावधानी की ज़रूरत होती है। पहले एक महीने हमें उनको आराम की ज़रूरत के लिए की सलाह देते हैं, पर एक महीने के बाद वह अपनी रोज़मर्रा की दिनचर्या, स्कूल जाना, वज़न उठाना और खाने पीने में किसी भी प्रकार का परहेज़ नहीं रखने की सलाह देते हैं। इसके अलावा इन बच्चों का समय समय पे इकोकार्डियोग्राफी के द्वारा एक पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट के से जांच करवानी चाहिए और नियमित रूप से बाद में साल में एक बार हम इस जांच के लिए उनको सलाह देते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि कई सारी जन्मजात हृदय विकृतियों में जो इलाज किया जाता है उसके बाद हृदय एक रिपेयर्ड हार्ट होता है, यानी मरम्मत किया हुआ दिल होता है, एक नया सामान्य दिल नहीं होता। ऐसी स्थिति में उनको आगे भविष्य में कुछ समस्याएं आने की संभावना रहती है, इसलिए इनको साल में एक बार इकोकार्डियोग्राफी और अगर ज़रूरत पड़े तो ईसीजी की जांच एक ट्रेंड पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट यानी शिशु बाल रोग विशेषज्ञ के द्वारा करवानी चाहिए। इसके अलावा इन बच्चों में हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो बच्चे जटिल हृदय विकृतियों से ग्रसित रहे हों उनको ऑपरेशन के बाद में जो बहुत ज़्यादा फिज़िकल फिटनेस वाले काम जैसे कि खिलाड़ी बनना, पुलिस, सेना या फिर पैरामिलिट्री सर्विसेज जिसमें 100% फिटनेस चाहिए होती हैं, वो ऐसे भविष्य में काम के लिए मना करते हैं क्योंकि ऐसी चीज़ों के लिए वह फिट नहीं रह पाते। इसके अलावा सामान्य प्रकार के हर प्रकार के व्यवसाय के लिए ये बच्चे फिट रहते हैं। और एक बात जिसके लिए अभिभावक चिंतित रहते हैं वह है कि संतान उत्पत्ति और गर्भावस्था के लिए। अगर ये लड़कियां हैं तो ज़्यादातर केस में कोई लड़की अगर जन्मजात हृदय रोग से ग्रसित है और उसका समय रहते इलाज हो गया है तो 80% केस में वह एक सामान्य गर्भावस्था को झेल सकती है, उसको किसी भी प्रकार की एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन इनके बच्चों में हृदय रोग होने की संभावना सामान्य महिला के मुकाबले अधिक रहती है, इसलिए ऐसी लड़कियां जिनको बचपन में दिल की बीमारी रही हो और इलाज हुआ हो वह अपनी गर्भावस्था के दौरान फीटल इको यानी भ्रूण की इको की जांच करा के इस चीज़ को पक्का कर सकती हैं कि उनके अजन्मे गर्भस्थ शिशु में कोई हृदय की बनावट की त्रुटि तो नहीं है।